Good morning everyone and welcome to the Bharti family. So our today's topic is clauses. थोड़ा आइडिया होगा कि क्लॉजेस क्या होता है, अगर नहीं है तो नो वरीज, आई एम गोना एलैबोरेट एवरी सिंगल थिंग अबाउट क्लॉजेस. इन दिस टॉपिक वी विल गोना स्टडी अबाउट, इन दिस लेसन वी विल गोना स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, विच आर द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज विच आर कमिंग इन योर सिलेबस, विच आर इन योर सिलेबस, दैट इज नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ first clauses definition. Okay, here comes clauses definition. The smallest grammatical unit that can express a complete proposition. It contains a subject and a verb. There are two kinds of clauses, independent and dependent. In simple language we can say that clauses is the group of words which has at least one subject, or it can be more than one subject and verb. See, clauses क्या होते हैं कि a group of words जिसमें at least एक subject होगा और एक verb जरूर होगी, but it doesn't mean कि जो subject और verb हमें दे रखा है वो हमें सारा एक्सप्लेनेशन नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्लॉजेस मतलब अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट कैन कंटेन अ सिंगल सब्जेक्ट, अ सिंगल वर्ब, अ मोर देन अ सब्जेक्ट, अ मोर देन अ वर्ब. सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, उप्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, नेवर माइंड. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन और more verb. All right, the smallest grammatical unit that can express a complete proposition, like jo subject aur verb honge wo hume completely proposition samjha sakte hain. Lekin kuch cases mein aisa hota hai ki subject aur verb to hume de rakhe hote hain but उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, और कुछ कुछ सेंटेंसेस भी कंप्लीट मीनिंग निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. सो वी विल गोना डिस्कस अबाउट इट ऑन लेटर. ओके, सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉजेस टाइप्स. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. First is independent clause and the second is dependent clause. Independent clause is also known as main clause and dependent clause is also known as subordinate clause. ऑलराइट, देखो क्लॉजेस के टू टाइप्स होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है, लेकिन उसका मीनिंग पूरा निकल रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं, इधर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा. आई सॉ अ गर्ल हु was dancing. ठीक है, अब यहां देखिए, ये I saw a girl, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्योंकि अगर हम सिर्फ I saw a girl बोलते हैं कि मैंने एक लड़की देखी, तो इसमें पूरा मतलब निकल रहा है कि ठीक है मैंने एक लड़की देखी. इस I saw a girl को कोई और सेंटेंसेस की नीड है ही नहीं, कोई और वर्ब की, कोई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है. तो वो सेंटेंसेस, वो क्लॉजेस जिनका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज मेन क्लॉज. अब यहां देखिए,
who was dancing. अगर आप I saw a girl हटा दें और सिर्फ who was dancing लिखेंगे तो does it make any sense? No, it doesn't make any sense. Who was dancing? कौन डांस कर रहा था? नहीं पता चल रहा ना. तो वो क्लॉजेस जिनका मतलब ही हमें पता नहीं चले, मतलब उसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमको नहीं पता कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, तो उसको हम बोलेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. अब आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग को मर्ज कर देंगे तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग. लेकिन अगर हम सिर्फ आई सॉ अ गर्ल बोलेंगे तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बट हु वाज डांसिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट क्लॉज है, सेंटेंस की क्लॉज है. सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंट इज कंप्लीट क्लॉज एंड डिपेंडेंट इज इनकम्प्लीट क्लॉज. ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज. एज आई हैव ऑलरेडी इलैबोरेटेड, बट हैव अ लुक, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. इट हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड इज अ कंप्लीट थॉट. जैसा मैंने कहा था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है, जिसकी एक वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक कंप्लीट थॉट होगा, कंप्लीट उसका मतलब निकल रहा होगा. एग्जाम्पल, दे डांस अंडर द रेन. ठीक है, मतलब पता है हमको, दे डांस सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, वर्ब भी हमारी आ गई है, ऑब्जेक्ट भी हमारा आ गया. ठीक है, वेयर इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कहाँ है, ये भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है. आया समझ में? दिस इज वॉट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्लॉज इज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट इज नॉट अ कंप्लीट थॉट. इंडिपेंडेंट का उल्टा हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट हैज नो कंप्लीट थॉट. ठीक है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट थॉट बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट थॉट. इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज सेंटेंसेस. जैसा हमें पता है, जब उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई कंप्लीट थॉट अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, तो इट कैन नॉट स्टैंड एज अ टोन. ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन बींग अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ सेंटेंस. मैंने क्या बोला था, डिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो डिपेंडेंट क्लॉज को पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की नीड होगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग. सी, इसमें देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी हमें दे रखा है. ठीक है, लेकिन क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है, बिकॉज आई वोक अप लेट इन दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं आज सुबह लेट उठा था. क्यों उठा था? वी हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, कोई हमें मतलब नहीं, कोई हमें पता ही नहीं है. तो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. एक एग्जांपल देखिए, व्हेन वी अराइव्ड इन स्कूल, जब हम स्कूल पहुंचे, क्यों पहुंचे, कब पहुंचे, डज इट मेक एनी सेंस, नो. सो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट क्लॉज इज. देखिए, व्हाट अकर्ड, हुआ क्या था, हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया. इफ माई नेबर डज नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम, तो क्या होगा. ठीक है, इसमें देखो वर्ब भी है, इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं निकल रहा है पूरा. ठीक है, इफ माई नेबर डज नॉट पे हिज रेंट ऑन टाइम, वॉट विल हैपन, वी हैव नो आइडिया. सो फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ओप्स सॉरी, now let's talk about dependent clause. independent clause हमने पढ़ लिया. dependent clause के तीन types होते हैं. ठीक है, इसके तीन types होंगे. first one is noun clause, second one is adjective clause, which is also called
relative clause. And the third one is adverb clause. Dependent, there are three types of dependent clause: noun clause, adjective clause and adverb clause. Noun kya hota hai? Person, name of a place or any person or a thing which we can feel or see or touch. ठीक है, आई एम नाउन, दिस पेन इज नाउन, दिस बोर्ड इज नाउन, दिस मोबाइल इज नाउन. ठीक है, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग विच वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन टच इज कॉल्ड नाउन. ऑलराइट, एडजेक्टिव्स विशेषता मतलब स्पेशलिटी. एडजेक्टिव्स टेल्स द स्पेशलिटी ऑफ नाउन. नाउन की स्पेशलिटी बताना इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, लाइक He is a tall boy. कौन? He क्या हमारा नाउन हो गया. ठीक है, रमेश इज अ टॉल बॉय, रमेश हमारा नाउन हो गया. टॉल उसकी एडजेक्टिव, उसकी खासियत हो गई. ठीक है, नाउन की खासियत बताना है इज कॉल्ड एडजेक्टिव. एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की खासियत बताना. ठीक है, एडवर्ब इज वर्ब की खासियत बताना, जो काम हो रहा है उसकी खासियत बताना. ठीक है, अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉजेस में इनका क्या यूज है. सो गाइस, देखो यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस होंगे जिनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन से हमारे नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंसेस में ये कंजंक्शन आएंगे तो उनके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारे नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है. बात करते हैं नाउन क्लॉज की. नाउन क्लॉज में क्या क्या आता है? व्हाट, हाउ, दैट, हु, व्हाई. What, how, that, who, why. ये सब हमारा noun clause में आएगा. Adjectives में क्या आएगा? Which, who, whose, that, whom. ठीक है, Adverb में आएगा when, where, because, if, although, until. ठीक है, अभी एक example देखो. I hate people who waste time. ठीक है, Who आ रहा है? Who हमारा noun में भी है और who हमारा adjective में भी है. तो कैसे पता चलेगा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है? सी, जो हमारा कंजंक्शन है उससे पहले अगर नाउन आता है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम. हु आ गया, हु से पहले क्या आ रहा है? पीपल. पीपल क्या है? नाउन. तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव क्लॉज. हु वेस्ट टाइम क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब क्लॉजेस. अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब दैट टेल व्हाई, वेयर, व्हेन और व्हाट हैपेंस इन अ सेंटेंस. वो फंक्शंस लाइक अ क्लॉज इज अ फंक्शन एज एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? मैनर ऑफ वर्क. जो हमारा काम हो रहा है ना, किसी, मैंने क्या बोला था? वर्ब की स्पेशलिटी बताना, जो काम हो रहा है उसका तरीका बताना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. दे टेल व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट हैपेंड इन द सेंटेंसेस. कब, क्यों, क्या हुआ था सेंटेंस में, और कब, क्यों, क्या, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब किस पे डिपेंड होगा? हमारा वर्ब पे, अकॉर्डिंग टू द वर्ब. दे आर फ्रीक्वेंटली मूवेबल विद इन द सेंटेंसेस. फ्रीक्वेंटली मूवेबल मतलब इट कैन कम एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, एग्जांपल देखिए. व्हेन द टाइमर, वेट अ मिनट, व्हेन द टाइमर रिंग्स वी नो द केक इज डन. ठीक है, और We know the cake is done when the timer rings. अब देखिए यहाँ पे क्या, when यहाँ पे as subject आ गया और as object आ गया. हमको कैसे पता चलेगा ये हमारा adverb clause है? Adverb clause की क्या speciality होती है? कि why, where, what, when, जो हमारा काम हो रहा है उसके बारे में बताता है कि कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? Cake baking का काम हो रहा है. तो when the timer rings, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. वी नो द केक इज डन, वैन हमारा आ गया एज अ सब्जेक्ट.
इट डिफाइंस दैट दे आर फ्रीक्वेंटली मूवेबल विथ इन द सेंटेंसेस. एक ही सेंटेंस में जो हमारा एडवर्ब जो मेरा कंजंक्शन होगा वो एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. ये देखिए सेकंड सेंटेंस में वी नो द केक इज डन व्हेन द टाइमर रिंग्स. हमें पता है केक बन चुका है जब टाइम रिंग करेगा. ठीक है, रिंग करता है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट एडवर्ब क्लॉज is. I hope you guys have understood. ठीक है, let's move on. So guys, now we talk about adverb clauses. जो subordinate conjunctions जो हम adverb clauses में use करते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है ना, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा sentence हमारा adverb clause है. ठीक है, so adverb clauses are always introduced by a subordinating conjunction. ओके, काइंड ऑफ क्लॉज, कॉमन कंजंक्शंस, फंक्शंस, एग्जांपल्स. कॉमन कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में. ठीक है, मैं आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल आर यूज्ड टू से समथिंग हैपेंड. सी, एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है कि काम का टाइम हमें पता बताया जाता है कि काम कब हो रहा है. ठीक है, और लाइक आई यूज टू से व्हेन समथिंग हैपेंस, रेफरिंग टू पीरियड ऑफ टाइम और टू अनदर इवेंट. ठीक है, इंडिकेट्स द रीजन. तो ये सारे जो हमारी पॉइंट्स है ये सारे हमारे किस में आएंगे, एडवर्ब क्लॉज़ में. टाइम क्या इंडिकेट करेगा, अगर आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल हमारा सेंटेंस में आएगा, एज सून एज, सिंस, अंटिल, बाय द टाइम, वंस, as so long as, whenever, every time, the first time, the last time, the next time. ये सारा क्या है, टाइम शो कर रहा है, टाइम पीरियड शो कर रहा है कि कब है, क्या है, किस टाइम काम हो रहा है, कभी भी, हमेशा, पहली बार, दूसरी बार. इट इज शोइंग टाइम. सो इट विल बी एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, फंक्शन देखो, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल आर यूज टू से व्हेन समथिंग हैपेंस. जब कोई सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम ये वाले कंजंक्शन से यूज करेंगे, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल. ठीक है, फॉर एग्जांपल, हर फादर डाइड व्हेन शी वाज यंग. जब वो छोटी थी तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे. ठीक है ना, तो यहां देखो व्हेन आ गया हमारा, व्हेन आ गया, और व्हेन क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, व्हेन शी वाज यंग. सो व्हेन के बाद वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज. जो भी कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन के अब आगे पीछे देखना, आगे पीछे टाइम आपको दिख जाएगा, एक टाइम आपको पता चल जाएगा, इवेंट आपको पता चल जाएगा, डेट आपको पता चल जाएगी. अगर ये चीज किसी भी सेंटेंस में होगी तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा. कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह एडवर्ब क्लॉज हमारा हो जाएगा. As soon as, since, until, by referring to a period of time to another event. वही टाइम की बात हो रही है यहाँ पे भी. ठीक है, ये सारे जो conjunctions है ना, ये हमारे adverb clause के अंदर में आएंगे. अब देखो cause and effect, और क्या होता है, यहाँ टाइम की बात तो हो गई, एडवर्ब में टाइम की बात होगी, अब कॉज एंड इफेक्ट की भी बात होगी. रीजन्स, जो सेंटेंस में अगर हमें पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है किसी रीजन के लिए, ठीक है, क्यों हो रहा है, तो वो भी हमारा एडवर्ब क्लॉज के अंडर में आ जाएगा. इंडिकेट्स द रीजन, मीन्स बिकॉज, नाउ, प्रेजेंट, फ्यूचर, यूज्ड टू मीन बिकॉज, सिंस, यूज्ड टू मीन बिकॉज. सी, आई कांट फील एंगर अगेंस्ट हिम बिकॉज आई लाइक हिम टू मच. कोई सेंटेंस हमें दे रखा है, बिकॉज आ गया, ठीक है, कंजंक्शन है हमारा बिकॉज. बिकॉज किस पर्पज के लिए आया है, रीजन शो करने के लिए, बिकॉज हमें रीजन शो कर रहा है. I couldn't feel anger against him. मैं उस पर गुस्सा नहीं कर पाई बिकॉज, क्योंकि I liked him too much. मुझे वो बहुत पसंद था. ठीक है, तो यहाँ पे हमको रीजन पता चल गया, तो ये हमारा किसमें एडवर्ब क्लॉज में आ जाएगा. दो चीज देखना, टाइम की बात होगी, कॉज एंड इफेक्ट की बात होगी. टाइम की बात होगी तो ये वाले कंजंक्शन यूज होंगे, ये वाले कंजंक्शन यूज होंगे. सेंटेंस में देखना, कहीं भी टाइम की बात होगी तो अगर ये वाले कंजंक्शन यूज हो गए तो इनके बाद वाला सेंटेंस हमारा क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा. कॉज इफेक्ट, रीजन, क्यों काम क्यों हो रहा है, उसके लिए
बिकॉज का हम यूज करते हैं, सिंस का भी हम यूज करेंगे, तो बिकॉज सिंस अगर आ गया तो भी हम बिकॉज का यूज करेंगे, ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दैट विल बी आवर एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नाउन क्लॉज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउन क्लॉज. नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है. एवरीथिंग, एवरी प्लेस और एनी नेम और पर्सन और थिंग विच वी कैन सी, वी कैन फील और वी कैन टच इज नाउन. अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन. यू कैन फाइंड इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ठीक है. तो नाउन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज करेंगे, तब जाके इट विल मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. एग्जाम्पल और देखिए, यू कैन फाइंड इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. हैव अ लुक एट एग्जाम्पल. एज अ सब्जेक्ट, व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग. मैंने इससे पहले जब आपको कंजंक्शंस बताए थे थ्रू अ फॉर्मेट, तो उसमें क्या था, व्हाट आया था ना. तो एज अ सब्जेक्ट व्हाट शी रोट इज इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे व्हाट हमारा एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है. यहां देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट आई रीड व्हाट शी रोट. व्हाट कहां पे आ गया, एज एन ऑब्जेक्ट. तो बस नाउन हमारा इंडिपेंडेंट, सॉरी नाउन हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड विच कैन फाइंड इट एज, एंड विच वी कैन फाइंड इट एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. लेट्स मूव फर्दर. Noun clauses beginning with question words. ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, ठीक है, और इनको हमने noun clauses में convert कर दिया, ठीक है. What do you do in class? What we do in class is easy. Where does he work? Where he works is a secret. Where should I do? देखो ये हमारा क्या है, डिपेंड, ये हमारा क्या डिपेंडेंट क्लॉज हो गए, ठीक है ना. बिकॉज इनका कंप्लीट थॉट नहीं निकल रहा, इनका कोई कंप्लीट थॉट नहीं. जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे नाउन क्लॉज में, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें एड ऑन हो जाएगा, विच विल मेक द कंप्लीट सेंटेंसेस. व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए. अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगी मुझे क्या करना चाहिए, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस कि मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ. अगर मैं ये चीज बोलूंगी कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इट इज मेकिंग अ कंप्लीट थॉट, ठीक है. हु आर दे, किसकी बात हो रही है, वी हैव नो आइडिया, बट मैरी नोज हु दे आर. मैरी जानती है कि वो कौन है, ठीक है. व्हाट हैपेंड, She knows what happened. ठीक है, अब यहां देखिए, what, who, what, where, what, ये सारे conjunctions हैं. What, where, what, who, what, ये भी हमारे conjunctions हैं, बट यहां पे questions हैं और ये हमारे noun clauses हैं, ठीक है. Let's move on another PPT. Noun clauses beginning with whether or if that. Noun clauses में हमारे और भी conjunctions आते हैं, whether, if, that. इनके बारे में हम पढ़ते हैं. Whether or if, I wonder if it will rain tomorrow. ठीक है, क्या आया यहाँ पे, if आ गया. I wonder if it will rain tomorrow or not. मतलब ऐसा है कि हम एक sentences को modify करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एड ऑन कर देंगे, विच विल मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है. आई वंडर वेदर और नॉट मैरी वेंट टू वर्क. वेदर आ गया, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं. अब देखो, आप सेंटेंस पढ़ो, आई वंडर वेदर और नॉट मैरी वेंट टू वर्क. यहाँ पे जोर किस पे पड़ रहा है, मैरी पे. मैरी क्या है, हमारा नाउन, सो इट शोज नाउन क्लॉज. वेदर ही इनवाइट्स हर और नॉट इज इम्पोर्टेंट. वेदर किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है बाबा, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज. आई वंडर इफ इट विल रेन, किसकी बात हो रही है, रेन की बात हो रही है. रेन क्या है, हमारे थिंग है, वी कैन सी, वी कैन टच,
ठीक है, तो सेंटेंस में आपको बस ये चीज देखनी है, सेंटेंस की हिंदी करना, देखना कि बात किसकी हो रही है, टाइम की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है तो एडवर्ब क्लॉज हमारा हो जाएगा, नाउन की बात हो रही है जो बेस है हमारा, जोर अगर नाउन पे बढ़ रहा है तो वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। दैट पॉल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स इज ऑब्वियस, दैट को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट, वही सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे, इट इज ऑब्वियस दैट पॉल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, ऑफ आवर लाइव्स, दैट हमारा क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज आ गया, आया समझ में कि यही दैट हमारा एडजेक्टिव में भी होगा, आगे मैं बताऊंगी कैसे क्या यूज करना है। तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉजेस ब्रेकिंग विद वेदर और दैट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, कौन सा बचा एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन यहां पे तो रिलेटिव क्लॉज लिखा है। डोंट वरी, रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज, और यू कैन से जस्ट एडजेक्टिव क्लॉज, अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज विद सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कांट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये भी हमारा क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज था, ये भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ रिलेटिव प्रोनाउंस। सी, कोई भी सेंटेंस में नाउन हमें दे रखा है, उसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। यहां देखिए कंजंक्शंस जो मैंने आपको बताए थे, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, हु विच विच हूज हूम दैट, ठीक है। अब यहां पर मैं बताऊंगी इनका यूज कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो दे ही रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज नोटिस करो, हु विच कौन किसका किस लिए, ठीक है, ये सब किसकी अगर हम बात करते हैं, कौन की अगर हम बात करते हैं, तो हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, नाउन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। पहला है हु, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज फॉर पीपल, हु किसके लिए यूज होता है, पीपल के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम हु का यूज करेंगे, लाइक हैव यू सीन द मैन हु इज द न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर, ठीक है, आपने उस मतलब उस इंसान को देखा है जो नया मार्केटिंग डायरेक्टर है, किसकी बात हो रही है, एक ह्यूमन बींग की बात हो रही है, हु हम किसको रेफर कर रहे हैं, ह्यूमन बींग को, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। विच, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, विच जो होता है ना वो थिंग या एनिमल के लिए हम यूज करते हैं, हु हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, विच हम यूज करते हैं थिंग्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है, वो विच भी एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट हमारा यूज होगा, द हॉर्स विच सू वॉज राइडिंग इज वेरी फ्रेंडली, ठीक है, यहां किसकी बात हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा विच आ गया। एक और विच, रेफरिंग टू द होल सेंटेंस, सिर्फ एनिमल और थिंग्स की बात नहीं होती है विच में, जो विच होता है कभी कभी इट रेफर्स टू द होल सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ही कांट टाइप एट ऑल विच डिड नॉट सरप्राइज मी, वो बिल्कुल टाइप नहीं कर सकता जो मुझे जो चीज मतलब वो बिल्कुल टाइप नहीं कर सकता जो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं करता, बिकॉज आई नो कि ही कैन नॉट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे जो विच है, यहाँ पे ना एनिमल है ना थिंग है, तो विच हम किसके रेफर, विच हमारा क्या कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। हुज का मतलब होता है किसका, जिसका, क्वेश्चन में यूज करेंगे तो किसका, सेंटेंस नॉर्मल यूज करेंगे तो एज अ कनेक्शन यूज करेंगे तो जिसका, ठीक है। पोजेशन ऑफ फॉर पीपल एनिमल और थिंग, पोजेशन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
animal, it can be animal, a thing, or people. For example, have you seen the boy whose mother was on TV? क्या आपने उस लड़के को देखा जिसकी मम्मा टीवी पर थी, जिसकी आ रहा है ना, ठीक है? Whom? अगर क्वेश्चन में बात करेंगे तो whom का मतलब होता है किसका, और अगर सेंटेंस नॉर्मल एज अ कंजंक्शन बात करेंगे तो जिसका. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस फॉर पीपल इन नाउन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. In defining relative clause, you prefer to use whom. See, I was invited by the counselor whom I met. जिससे, whom का मतलब होता है जिससे. I met at the Christmas party. मैं counselor के द्वारा invited थी जिससे मैं Christmas party में मिली थी, ठीक है? बात करते हैं that की subject और object pronoun for people, animal, things is defining relative clause, ठीक है? Sorry, I liked the dress that you wore to the function last party. कोई object या subject को हम define कर रहे हैं. With the help of that, it's called adjective clause or relative clause. Okay, so we are done with relative pronouns. Let's move on. Relative clause types. See, this is not as important as it should be because this is sort of kind of out of syllabus, but I'm gonna teach you this because this is the basic thing which you need to know. Relative jo clauses, adjective clauses, unke bhi do types hota hai, restrictive, non-restrictive. Restrictive gives information that define the noun, information that necessary for complete identification of noun. Restrictive जो होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नाउन के बारे में देता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, द गर्ल होम यू सॉ यस्टरडे इज माई सिस्टर. कल जो आपने लड़की देखी थी वो मेरी बहन है. तो ये हमारा क्या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. यहाँ पे होम यू सॉ यस्टरडे, ठीक है, गिव्स इन्फॉर्मेशन. ये किस किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? लड़की के बारे में, ठीक है ना? लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. Non-restrictive gives additional information something but do not define it. They are put in commas. Mary, who is my girlfriend, likes eating fast food. Or the Ferrari which is in front of my house belongs to my dad. Restrictive में तो normal information देता है, ठीक है? और non-restrictive में क्या होगा? हम extra information देते हैं. यानी कि the Ferrari which is in front of my house belongs to my dad. वो फरारी जो मेरे घर के सामने खड़ी है वो मेरे पापा की फरारी है, बिलोंग्स टू माय डैड. अगर हम ये चीज हटा दें, विच इज इन द फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो द फरारी बिलोंग्स टू माय डैड. कौन सी फरारी? वी हैव नो आइडिया. तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, विच इज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, और ये कॉमा के अंदर लिखी जाती है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड नॉन रिस्ट्रिक्टिव. All right. Restrictive relative clauses, non-restrictive relative clauses. एक बार मैं read कर देती हूँ. It is not so important. Object pronoun in defining relative clause can be dropped. The boy who we met yesterday is very nice. The boy we met yesterday is very nice. Defining relative clauses are often used in definition. Non-restrictive relative clause and non-defining relative clause, who which may not be replaced with that. Relative clause में क्या होता है कि जो हमारे conjugation होते हैं उनको हम हटा सकते हैं, ठीक है? But restrictive clause में, as non-restrictive clause में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? We cannot replace the conjunctions, we cannot drop the conjunctions, but in restrictive case we can do that. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. स्पैगेटी विच मेनी ऑफ अस एंजॉय कैन बी मेसी. स्पैगेटी की बात हो रही है. स्पैगेटी क्या है? नाउन है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. दिस इज द बुक दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. ये वो बुक है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, ठीक है? She wrote to the person whom she had met last month. Last month, time period की बात हो रही है ना?
ठीक है, तो whom के बाद शी हैड मेट, ये हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड. वी डिड नॉट ब्रिंग द रिसीट विच वॉज अ बिग मिस्टेक. ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज अनॉइंग. वही मतलब कोई भी सेंटेंसेस आपको दे रखा हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि है ना उसमें किस बारे में बात हो रही है, जो कंजंक्शन होगा उसके पहले या बाद में आपको देखना है कि किस बारे में हमारी बात हो रही है. टाइम पर फोकस ज्यादा कर रहा है, पीरियड पर फोकस ज्यादा कर रहा है, इवेंट पर किसी फोकस ज्यादा कर रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा. नाउन और जो हमारा कंजंक्शन है अगर नाउन पे डिपेंडेंट है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. और नाउन क्लॉज की बात करेंगे तो क्या होगा, हम उसमें नाउन के बारे में बात करेंगे, जो सेंटेंस है जिसमें हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा नाउन क्लॉज. तो बस क्लॉजेस में ज्यादा कुछ खास नहीं है. आपको क्या होगा, सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से क्लॉजेस हैं, ठीक है, कौन से कंजंक्शंस कहाँ यूज होंगे. जो जो कंजंक्शंस मैंने बताए थे, हु व्हाट हाउ दे व्हेन, ये सब इनका पर्टिकुलर जो मतलब होता है, हु का मतलब कौन हूं, इन सब का मतलब अगर आपको जानना है तो मैं वो भी बता सकती हूँ, बट बहुत सिंपल है, इन सब का मतलब बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल्स हो गए ना, अब आपका होमवर्क ये है कि जितने भी कंजंक्शंस है ना उन सब की हिंदी लिखना और उनका एक एक सेंटेंस बनाना. ठीक है, सेंटेंस बनाना विच शुड हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे सेंटेंस बनाना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज को मर्ज करके. सारे कंजंक्शंस की लिस्ट लेना, उनका हिंदी में मीनिंग लिखना और हर एक एक कंजंक्शन के लिए एक एक सेंटेंस बनाना. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइज. ऑलराइट, सो वी आर डन विद क्लॉजेस. थैंक यू सो मच.